अगर हम बात करते हैं तो अगला टॉपिक सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि थोड़ा सा आईयूपीएससी के नॉमेनक्लेचर में हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है स्टूडेंट आपका आईयूपीएससी, ठीक है, और क्या का आपका नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर 4। देखिएगा यहाँ से ध्यान से, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर 4 किसके लिए स्टूडेंट आपका, ब्रांच्ड चेन के लिए, कि जब चेन आपकी ब्रांच या सब चेन बनने लगे तो क्या कहा स्टूडेंट आपका, ब्रांच्ड चेन, ठीक है। तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर 4 ब्रांच्ड चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, सैचुरेटेड अभी भी है, रहेगा सिंगल बॉन्ड ही, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से देखते रहें, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर आपके एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, और ये आपके लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, स्कूल लेवल के एग्जाम हो, ठीक है, सभी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए ध्यान से समझें, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत भयंकर चीजें आप लोगों को पढ़नी है। देखिएगा तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर फॉर ब्रांच चेन, ब्रांच चेन कैसे होती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कहूं भी, ठीक है, कि कोई लॉन्ग चेन चल रही होगी और उसी से हटते हुए अलग सी चेन बन रही होगी तो वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट आपकी, ब्रांच चेन हो रहा है, ब्रांच चेन हो जाएगी, ठीक है। इतना अब देखिए, इसमें सबसे पहला जो रूल आप लोगों को याद रखना है स्टूडेंट, फर्स्ट जो कंडीशन जो आप लोगों को याद रखनी है, जब आप इस केस में आईयूपीएससी नेमिंग करेंगे तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, ठीक है, वो क्या रखनी है स्टूडेंट आप लोगों की, कि जो आपकी लॉन्ग चेन होगी, ठीक है, उसका नेम आप सबसे पहले लिखेंगे, मतलब कार्बन आपने कैलकुलेट किया कि कार्बन एटम कितने हैं और उसके रिस्पेक्टिवली आप सबसे पहले नेम लिखेंगे। तो लिखें इसको सबसे पहले कि यहां से हमने क्या कहा स्टूडेंट आपका, कि जो सबसे लंबी चेन होगी, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन कंपाउंड, ऑफ द कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन कंपाउंड इन द स्ट्रक्चर, लॉन्गेस्ट चेन इन द कार्बन कंपाउंड इन द स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर नेम्ड फर्स्ट, स्ट्रक्चर नेम्ड फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले हिंदी माध्यम के स्टूडेंट, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिख लीजिएगा, सर्वप्रथम सबसे लंबी चेन का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। इतना दूसरी बात, अगर कोई एल्काइल ग्रुप है, आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया था, बताया था कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है आपका, कि एल्केन ग्रुप से अगर एक हाइड्रोजन एटम कम हो जाए तो वो क्या बन जाता है, एल्काइल ग्रुप बन जाता है। तो यहां से ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, कि अगर कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट आपका साइड चेन में, ठीक है, तो वो कैसे लिखा जाएगा, उसका नाम सेपरेटली लिखा जाएगा, मिथाइल एथाइल प्रोपाइल, उसका नाम अलग से लिखा जाएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट क्या कहा आप लोगों का, कि यहां से अगर मैं कहता भी हूं कि जो आप लोगों का एल्काइल ग्रुप होता है, दी एल्काइल ग्रुप, एक मिनट, ठीक है, यहां से क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों का, दी एल्काइल ग्रुप, कि जो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, दी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट, दी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट एज साइड चेन, ठीक है, साइड चेन में या ब्रांच में आप कह सकते हैं, प्रेजेंट इन, प्रेजेंट एज साइड चेन्स या साइड चेन आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या कहा, साइड चेन्स कहिए, अगर मल्टीपल हैं और आपका सिंगल होगा तो सिंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, साइड चेन और ब्रांचेज कंसीडर्ड, ठीक है, इसे कैसे लेकर चलना है आपको, कि कंसीडर्ड सब्स्टिट्यूएंट, कंसीडर्ड सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट एंड इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, सेपरेटली लिखा जाएगा, एंड नेम्ड सेपरेटली, एंड नेम्ड सेपरेटली, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, अलग से लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहीं से अगर मैं बात भी कर लेता हूं कि लाइक एज, ठीक है, कि जैसे क्या हो गया स्टूडेंट आप लोगों का, मिथाइल हो गया, ठीक है,
या आप लोगों का मिथाइल, ठीक है, या आप लोगों का क्या हो गया, एथाइल हो गया। तो इस तरह से आप लोगों का ये क्या लिखा जाएगा, सेपरेट लिखा जाएगा, ठीक है। इतना तो क्या कहा आप लोगों का कि जो आपकी सबसे पहले बात आई आपकी ब्रांच स्ट्रक्चर में सबसे लंबी चेन होगी उसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। एल्काइल ग्रुप अगर आपका सब ब्रांच में सब चेन में चल रहा होगा तो उसका नाम सेपरेटली मिथाइल एथाइल इसी प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। इतना तीसरी बात स्टूडेंट आप लोगों की कि आपने अक्सर एग्जाम में भी देखा होगा कि टू मिथाइल या टू मिथाइल बाई इस तरह से, ठीक है, लिखा रहता है। तो टू मिथाइल या थ्री एथाइल इस तरह से कब लिखा जाता है, अब आपका अगर कोई हमारी एल्काइल ग्रुप या कोई एल्काइल श्रेणी चल रही है और वो आप लोगों का क्या है, लॉन्ग चेन की एक सब ब्रांच है, सब चेन, तो आपको लॉन्गेस्ट जो चेन होगी उसमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। और नंबरिंग हमेशा इस तरह से होती है कि एल्काइल ग्रुप जो है वहां पर कम नंबर जाए। कहने का मतलब क्या है कि हम उस साइट से नंबरिंग करेंगे जहां से वो पास में हो, जहां से उस पर नंबर कम जाए, ठीक है। तो क्या कहा स्टूडेंट आपका, इस रूल को भी पहले हम लिख लेते हैं फिर आपको एग्जाम्पल के साथ इन्हें एक एक रूल को समझाएंगे, ठीक है। कि थर्ड जो रूल या थर्ड जो तीसरा जो नियम बनता है, ठीक है, देखिएगा, द कार्बन एटम्स ऑफ द लॉन्गेस्ट, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, एक मिनट, लंबी चेन की बात कर रहे हैं ना, तो देखिएगा द कार्बन एटम्स ऑफ, द कार्बन एटम्स ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर नंबर्ड इन, आर नंबर्ड इन सच अवे, नंबर्ड इन सच अवे, कि इस तरह से उन पर नंबरिंग करेंगे, सच अवे दैट द एल्काइल ग्रुप, दैट द एल्काइल ग्रुप, दैट द एल्काइल ग्रुप, ठीक है, कि ताकि जो आपका एल्काइल ग्रुप या ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो कैसे हो सके स्टूडेंट आपका, गेट द पॉसिबल स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, पॉसिबल स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब हमें काउंटिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से वो पास हो, जहां से उस पर नंबर कम आए, पॉसिबल स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। इतना अच्छा, अब अगर आपसे एग्जाम में भी पूछ दे व्हाट इज द बेसिक पोजीशन या व्हाट इज द पोजीशन ऑफ गिवन एल्काइल ग्रुप, जो एल्काइल ग्रुप आप लोगों का वहां पर लिखा गया है उसकी पोजीशन की बात करें तो पोजीशन भी जो डिफाइन होती है स्टूडेंट आपका, जो कार्बन एटम पर या लॉन्ग चेन के कार्बन एटम पर जो नंबर आया होगा वही नंबर उसकी क्या करता है, पोजीशन को भी डिफाइन करता है। कैसे, देखिएगा कि यहीं से मैं अगर फोर्थ रूल को लिखता हूं कि अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछ दिया उसकी पोजीशन के लिए, ठीक है, उसने आईयूपीएसी नेम ना पूछकर सिंपल पोजीशन पूछी है तो आप लिख सकते हैं कि द पोजीशन ऑफ, ठीक है, सिंपल सी बात को हम लिखते हैं, द पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, द पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप की पोजीशन इज इंडिकेटेड बाय, दिस इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग, सिंपल से बात लिख लेते हैं, इंडिकेटेड बाय राइटिंग, इंडिकेटेड बाय राइटिंग द नंबर ऑफ, राइटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, उस कार्बन एटम का नंबर जो वहां पर आ रहा होगा, कार्बन एटम विच, विच इट इज कनेक्टेड, which it is connected या attached लिख लेते हैं, ठीक है, कि जिससे वो वहां पर attached है, respective carbon पर जो number आ रहा होगा वही उसका क्या होगा student आप लोगों का, वही उसके लिए respective उसकी position होगी। तो कहने का मतलब क्या है student, अब मैं इन पूरे नियम को, इन पूरे rules को दिखाता हूँ, ठीक है, कि अगर मैं इस case में ये जो अभी तक हमने देखा IUPAC नेम अगर हम लिख रहे हैं, IUPAC नॉमनक्लेचर अगर हम इसका देख रहे हैं तो कैसे निकल कर आएगा स्टूडेंट आपका, ये देखेगा कि सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, सबसे पहले लिखनी है स्टूडेंट आप लोगों को, ठीक है, फर्स्ट जो आप लोगों को यहाँ से काम करना है, ठीक है, वो क्या करना है,
सबसे पहले पोजिशन लिखनी है। मैं अभी आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, ठीक है, कि सबसे पहले आ जाएगी आपकी पोजिशन। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे आप? पोजिशन लिखोगे। पोजिशन के ठीक बाद आप क्या लिखोगे स्टूडेंट? उसके सेकंड अगर हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर पर आप एल्काइल ग्रुप के नेम को लिखेंगे, ठीक है, या जो भी एल्काइल वहां पर आ रहा होगा, नेम ऑफ एल्काइल, कि एल्काइल का नाम लिखोगे, ठीक है, इतना, जैसे 2-methyl, 3-methyl इस प्रकार से। और फिर जिस हाइड्रोकार्बन से वो जुड़ा हुआ है, थर्ड अब आपका फाइनली जो आएगा वो आएगा स्टूडेंट आपका पेरेंट हाइड्रोकार्बन, जिससे वो या जिस लॉन्ग चेन से वो जुड़ा हुआ है, तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन ये आ जाएगा आपका पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ऊपर जितने रूल लिखे हैं वो आपका समराइज फॉर्म में कुछ इस तरह से स्टूडेंट, कि आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले पोजिशन लिखनी है, फिर उसके बाद नेमिंग लिखनी है किसकी? एल्काइल की, ठीक है, और फिर तीसरी बात आपको क्या लिखना है, जो पेरेंट हाइड्रोजन एटम वहां पर है उसकी जानकारी को लिखना है, उसे आप लोगों को लिखना है।